पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पिता ईश्वर और यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग चालीसे के तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और यह पवित्र समय हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से जुड़ने का मौका देता है, पवित्रता में आगे बढ़ने का मौका देता है। और इस चालीसे के काल में हम लोग अपने रिश्ते को देखते हैं कि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता अपने लोगों के साथ में कैसा है, अपने पड़ोसियों के साथ में कैसा है, और उसी रिश्ते को सुधारने के लिए हम लोगों को यह पवित्र काल दिया गया है, ताकि हम ईश्वर की योजना के आधार पर, ईश्वर की आज्ञा के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। आइए, जब हम लोग इस मिसा पूजा बलिदान को भाग लेने के लिए आए हैं, हम अपने जीवन को झांक कर देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन के विचार को, काम को, अपनी सोच को हम परख कर देखें कि क्या मैं अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, उनके अनुरूप अपने जीवन को जीने की कोशिश की है। यदि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ त्रुटियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, तो आइए हम उसके लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस मिसा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, जीवन संचार कर दे। नव जीवन संचार कर दे। पावन आत्मा से भर दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। नव जीवन संचार कर दे। पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू ही सारी दया और समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को
हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि कर और जो अपने दोषी अंतकरण के कारण झुके हुए हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 तक। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ, उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो तुमसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसकी संतति को उसके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र बनाने का ध्यान रखो, तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है यह सब बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा। Oh.
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र अध्याय एक पद संख्याएं 22 से 25 तक। आज का मूल वाक्य हैं, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह मनुष्यों के विश्वास में बाधा है, लेकिन ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर की प्रज्ञा है। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह की ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको वैसा करने का अधिकार है?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे हैं। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जीव उठे तो उनके शिष्यों को यह याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यह 40 का समय हम लोगों के लिए पवित्रता में विशेष रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह पवित्र समय इसलिए होता है कि हम अपने संबंध को ईश्वर के साथ नवीन करते हैं, नया रूप देते हैं, अपने संबंध को एक दूसरे के साथ में हम लोग नया बनाते हैं, और जो भी मनमुटाव हुए हैं, जो भी गलत हुए हैं, जो भी पाप हुए हैं, उन सभी को हम लोग परित्याग कर पवित्रता के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम लोग 3रे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं तो आज हम लोगों को वचन विशेष रूप से मनन चिंतन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। और इसलिए हम लोग देखते हैं आज के पहले पाठ में, जब इसराइली लोग मिस्र की गुलामी से मुक्त कर जब वे लोग प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब वे लोग सिनाय पर्वत पर आते हैं और वहाँ पर ईश्वर उन्हें 10 आज्ञाएँ देता है। ये वे आज्ञाएँ थे जो उनको पवित्रता के लिए आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर ईश्वर उन लोगों को बताना चाहता है कि राष्ट्र की गुलामी से मुक्त होना और स्वतंत्र होकर अपने जीवन को बिताना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तुम लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, अपने पाप को परित्याग करने की आवश्यकता है, ईश्वर को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। और यह संभव तभी है जब हम लोग ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। और इसलिए आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि प्रभु लंबे रूप में लोगों को समझाते हुए 10 आज्ञाएँ देते हैं, और यही आज्ञाएं हम लोगों को अनंत जीवन के भागी बनाता है। हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 17 से 19 के बीच में पढ़ेंगे, जहां पर एक धनी युवक यीशु के पास आकर उनसे अनुनय विनय करता है कि गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। और यीशु उसे साफ साफ बताते हैं कि तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके अनुरूप अपने को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम ईश्वर की योजना के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, जब ईश्वर उन्हें आज्ञा दे रहा होता है तो हम देखते हैं कि ईश्वर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हमारा प्यार, हमारा ईश्वर के प्रति प्यार इस बात पर निहित है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और इसलिए हम बारंबार देखते हैं जहाँ पर प्रभु
हम लोगों को बताते हैं कि वह आज्ञा भंग करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की उसी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए आए हैं और उसी आज्ञा के अनुरूप हम लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आमंत्रित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस समय के फरीसी लोग और शास्त्री लोग यीशु के पास आकर उसे वाद विवाद करते हैं और उसे पूछते हैं कि धर्मग्रंथ में और संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 37 और 40 के बीच में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु संपूर्ण धर्मशास्त्र का निचोड़ हम लोगों को देते हैं, एक आज्ञा पालन करने के लिए हम लोगों को बताते हैं। कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। और इसी प्यार को आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं, जो पहली आज्ञा दूसरी आज्ञा ईश्वर को प्यार करने पर निहित है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा एकमात्र ईश्वर है और उसको छोड़कर तुम किसी की उपासना नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, कोई देव मूर्तियों का निर्माण नहीं करोगे। हम लोगों को कोशिश करना है कि हम ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से उसे प्यार कर सकें। और यीशु वहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, यीशु एक कदम आगे आकर लोगों को कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और आगे प्रभु कहते हैं कि यही पर संपूर्ण जीवन अवलंबित है और यही है हमारे जीवन का सार। और आज के दोनों पाठ हम लोगों को इसी विषय पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाते हैं। आज हम लोगों को अपने जीवन को झांक के देखने की आवश्यकता है कि ईश्वर के प्रति मेरा रवैया कैसा है, मैं ईश्वर को कितना प्यार करता हूँ और अपने पड़ोसी को मैं उस प्यार को कितना दे सकता हूँ। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु क्रोधित हो जाते हैं और यीशु क्रोध में आकर रस्सी का कोड़ा बनाते हैं। वो देखते हैं कि पवित्र स्थान को लोग बाजार बना दिए हैं, धर्म को लोग जीने का तरीका बता दिए हैं और इसी के विरोध में यीशु उन लोगों को बाहर खदेड़ते हैं, लोगों को बाहर भगाते हैं कि जो पवित्रता यहाँ होनी है उस पवित्रता को बरकरार रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लोग ना केवल पवित्र जगह को अपवित्र कर रहे थे बल्कि दूसरे लोगों के साथ में भी उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं था। जो प्यार उन्हें ईश्वर को दिखाना था और पड़ोसी को दिखाना था वो प्यार वहाँ पर कहीं पर नहीं था और यीशु इसलिए क्रोधित होकर सभी लोगों को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। बाजार वह जगह होता है जहाँ पर हम लोग अपना रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोगों के लिए हमारी आय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरों के प्रति प्यार और दूसरों के लिए कोई शुभकामनाएं नहीं होती हैं, लोग फायदे के लिए जाते हैं, मुनाफे के लिए जाते हैं। और वही चीज यरूशलेम के मंदिर में हो गया था और इसलिए यीशु अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और लोगों को बताते हैं कि जो पवित्रता ईश्वर के मंदिर में होनी चाहिए वही पवित्रता हमारे जीवन में भी होनी चाहिए कि हम दूसरों से प्यार कर सकें, दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें, दूसरों को आगे बढ़ा सकें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग इस पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम लोगों को उसी क्रूसित यीशु पर विश्वास करते हुए ईश्वर को प्यार करने का जरिया अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से संत पौलुस कुरिन्थियों को बताते हैं कि जो लोग बुद्धिमान हैं और जो लोग धर्म के नेता हैं उनके लिए क्रूसित यीशु का विषय मूर्खता का विषय है, क्योंकि वे लोग किसी चीज पर विश्वास करने के लिए वे लोग चमत्कार मांगते हैं, लेकिन क्रूसित यीशु ही जो हमारे प्रेम के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए उससे बड़ा
और कोई प्रमाण नहीं है, उससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। और उसी पर विश्वास करते हुए हम लोगों को अपने ख्रिस्त जीवन को बिताने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से आशीष एवं कृपा की याचना करें कि हम लोगों को प्रभु अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद करें, ताकि हम ईश्वर को अपने मन से, अपने वचन से, अपने सारी बुद्धि से, आत्मा से, शक्ति से प्यार कर सकें और एक दूसरे को वही प्यार अर्पित करते हुए अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकें। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उस इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता विश्व के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आए। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्यकाल में हमारी सहायता करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, कैथोलिक कलीसिया और पुरोहित गण को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी महिमा के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस स्वतंत्रता के लिए तूने हमें बुलाया है, उस स्वतंत्रता को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने में हमारी सहायता कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, अपने चुने हुए प्रजा को शक्ति और बल प्रदान कर कि वे तुझे प्रथम स्थान दे और तुझसे दूर ना हो। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आपकी कृपा और वरदान का भंडार से हम कृपा और वरदान ग्रहण करें और उसके अनुसार आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो लोगों को पाप में गिराते हैं। उन्हें तू यह कृपा दे कि वे सब इस बुराई को छोड़ दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी को इस मिसा पूजा बलिदान में अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर आए हैं, उनको प्रभु के सामने अर्पित करेंगे। हमारे देश के लिए, देश के किसानों के लिए, जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए, हमारे घर परिवार में जो लोग अस्वस्थ हैं, उनको प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग पाप के बोझ में दबे हुए हैं और पाप के कारण ईश्वर की ओर आने में असमर्थ हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यह चालीसा काल उनके लिए पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सके। हे ईश्वर, तू हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तत्पर रहता है। हमारा निवेदन ध्यान पूर्वक सुन और तपस्या तथा प्रायश्चित की इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे सामने समस्त पद कलशिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हम अपने पापों से मुक्त होने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर ऐसा वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें। हमें यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री से जल पिलाने की अर्जी करने से पहले ही येसु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए येसु इतने लालायित थे कि उन्होंने उसके हृदय में ईश प्रेम की आग भी सुलगा दी थी। इस कारण हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वरदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सभों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ
और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए और ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने के लिए वही प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं हूँ कि आप परे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। जो आए थे सुनने वचन,
प्रभु कहते हैं, जो कोई वह जल पिएगा जिसे मैं दूंगा, वह उसमें जल स्रोत बनकर अनंत जीवन के लिए फूट पड़ेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर भी दिव्य रोटी से तृप्त हुए हैं। हम इस संस्कार के प्रभाव से भला आचरण कर सकें, हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीष के लिए आप लोग अपना सिर झुकाएंगे। हे परमेश्वर, तेरे भक्तों के हृदयों को संचालित कर, तेरे और पड़ोसी के प्रेम में दृढ़ रहते हुए हम तेरी आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन कर सके, हमें यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला।